इन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल जलविहार कॉलोनी कटोतला रायपुर। ये हमारे लिए गौरव है कि 1857 के जो गदर है और जो लड़ाइयां लड़ी गई थी उसमें छत्तीसगढ़ भी अग्रणी रूप से भाग लिया था, जिसमें परलकोट के राजा गायन सिंह जी और सोना खान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह जी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी है वो हम सब छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और उस पुण्य भूमि में आज कार्यक्रम है, वहाँ नमन करने का, उस माटी को नमन करने का अवसर है। मैं ऐसे ही महापुरुष जो छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाए हैं उनको नमन करता हूँ। किसान, देश के किसान 62 करोड़ लोग हैं, उसकी सूध प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं। और ऐसे में उस सांसद में जिसमें किसानों के खिलाफ बिल पारित किए हैं, काला कानून पारित किए हैं, नया सांसद बनाने जा रहे हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का भी रोक लगी हुई है, तो आज यदि सांसद की आवश्यकता है तो बना रहे हैं, उसकी अपनी प्राथमिकता है। हम प्रदेश के किसानों की भी चिंता कर रहे हैं, यदि कोई धान संग्रहण केंद्र में आया और किसी की तबीयत खराब हो जाए तो तबीयत तो खराब होना किसी के बस में है ही नहीं। यदि पहले से तबीयत खराब होता तो वो आते नहीं किसान, अब अचानक हो गया, घटना घट गई, तो उसके लिए कोई किसी की जिम्मेदार, यदि कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रमन सिंह जी अभी नान घोटाला से उभरे नहीं है, उनको घोटाला ही नज़र आता है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, उसमें कौन सा घोटाला होगा? 15 दिन के 15 दिन पेमेंट हो रहा है, 2 रुपये किलो में गरीबों को पैसा दिया जा रहा है, उसमें कौन सा घोटाला हो गया? गांव के लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, गांव के लोगों सबके सामने हैं, गठबंधन समितियां बनी हैं, स्व सहायता समूह बने हुए हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं। इनको तो गरीबों के जहाँ लाभ पहुँचाना है वहाँ उसको घोटाला नज़र आता है, क्योंकि वो घोटाला किए हैं गरीबों के चावल में डाका डालने का काम रमन सिंह जी 15 साल में खूब किए हैं। जब 56 लाख परिवार थे तब 72 लाख राशन कार्ड बना लिए थे, तो वो जो घोटाला किए हैं गरीबों के हक में डाका डाले हैं, इस कारण से ये बात कर रहे हैं।